नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा के बारे में। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए रखते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की कमाई को सहारा इंडिया के कई स्कीमों में लगाया था ताकि भविष्य में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई तो कंपनी ने पैसे भुगतान करने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद निवेशकों को लगने लगा कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी है। हालांकि बाद के दिनों में कंपनी का सारा फ्रॉड निकल कर सामने आ गया। हालांकि कंपनी की तरफ से बाद के दिनों में यह भी कहा जाने लगा कि आप दूसरी स्कीमों में अपना पैसा लगा दें। इसके बाद कई ऐसे निवेशक हैं जो कि कोर्ट के पास पहुंच गए। ऐसे में देश के कई राज्यों में सहारा समूह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इधर पटना हाई कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के पिछले सुनवाई के दौरान निर्देश देते हुए कहा था कि सहारा कंपनी के पास जो पैसा है उसमें गरीब जनता की कमाई का पैसा है, जिसे लोगों ने सहारा समूह के कई स्कीमों में यानी कि अलग अलग स्कीमों में निवेश किया है। उस पैसे को कंपनी जितनी जल्दी हो सके लौटा दे। अब इधर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी के अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं, लेकिन कोर्ट उसकी मंजूरी यानी कि दलीलों में नामंजूर करते हुए आदेश दिया, जिसमें उन्होंने सहारा समूह के मालिक को कोर्ट में पेश होने की बात कही है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने कहा था कि 27 अप्रैल तक अगर कंपनी कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं देती है यानी कि आप पैसा जो है कैसे ग्राहकों को लौटाएंगे इस बात की जानकारी नहीं देती है तो हाई कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि निवेशकों का पैसा उन्हें मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता यानी कि प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, जिसमें 27 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, लेकिन इस दिन भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने कंपनी के मालिक को कोर्ट में बुलाया है। ऐसे में सहारा समूह के मालिक 11 मई को पटना हाई कोर्ट में पेश होंगे। आपको बता दें कि यह पूरे मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में लगभग 2000 लोगों ने याचिका दायर की है। बता दें कि पैसे नहीं मिलने के कारण निवेशक काफ़ी परेशान है। इतना ही नहीं, कंपनी इस पूरे मामले में अभी तक धोखा ही दे रही है। दरअसल कंपनी अपने ग्राहकों को पैसे तो लौटा नहीं रही है, उन्हें दूसरे स्कीमों में पैसे डालने की बात कह रही है। हालांकि कोर्ट की तरफ से जब यह कहा जाता है कि पैसे कब मिलेगा तो सहारा की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि सहारा का पैसा सेबी के पास जमा है और सेबी से मिलने के बाद ही यह पैसा जो है निवेशकों को दिया जाएगा। हालांकि सेबी की तरफ से कई बार बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें मिलान नहीं हो पा रहा है। हालांकि सहारा सेबी के बीच में अब पूरा मामला फंसा हुआ है। ऐसे में अब देखना है कि कोर्ट किस तरह से निवेशकों का पैसा लौटवाने में मदद करती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।